हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि GDS यूनियन क्या होता है भाई, यूनियन क्या कर सकता है, यूनियन कब हटा सकता है, और यूनियन मेरे साथ क्या किया है, और GDS स्ट्राइक के वजह से यूनियन पे क्या असर पड़ा है, कौन सा कैंडिडेट्स पे क्या असर पड़ा है, और GDS में क्या खलबली मचा है, इसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली देखिए, 14 दिसंबर को स्ट्राइक हुआ था और नेशनल स्ट्राइक हुआ था, पूरा कंट्री में स्ट्राइक हुआ था, क्योंकि GDS का जो डिमांड्स था वो पूरा नहीं हो रहा था। GDS का जो कमलेश चंद्र कमेटी के अकॉर्डिंगली जो डिमांड्स है वो सब चीज़ पूरा नहीं हो रहा था, दैट्स वाई GDS स्ट्राइक पे थे। और ये सब चीज़ कहीं न कहीं कुछ न कुछ खलबली मच रहा था सारे बहुत सारे यूनियन में, कोई यूनियन सपोर्ट कर रहे थे, कोई यूनियन नहीं सपोर्ट कर रहे थे। तो आज हम आपको बताएंगे कि हम जब यूनियन के स्ट्राइक में गए थे तो मेरे यूनियन में क्या असर हुआ। एक्चुअली क्या हुआ कि हम गए थे स्ट्राइक में, हम जाना नहीं चाह रहे थे स्ट्राइक में, क्योंकि कुछ रूल रेगुलेशन मुझे याद आ गया, क्योंकि बताया गया था कि जो रूल 8 या फिर रूल 23 को फॉलो नहीं करेगा उसके अकॉर्डिंगली उनको टर्मिनेट किया जाएगा या फिर एक्सप्लेनेशन कॉल हो सकता है। तो मेरा ऑलरेडी 3 साल कंप्लीट हो गया था, तो मेरा रूल 23 के हिसाब से टर्मिनेशन या फिर एक्सप्लेनेशन कॉल होने का संभावना नहीं था, ठीक है। मतलब रूल 23 में बताया गया कि जिसका 3 साल से ऊपर हो गया वो लोग GDS में इस तरह से पार्टिसिपेट सब वगैरह सब कर सकता है, ठीक है। तो रूल 8 के हिसाब से क्या होता है कि जो जिसका 3 साल कंप्लीट नहीं हुआ है उन लोगों को टर्मिनेट किया जा सकता है, या एक्सप्लेनेशन कॉल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या फिर माइनर या मेजर पेनल्टी वगैरह सब लगा सकता है, ठीक है, एंगेजिंग अथॉरिटी। तो मेरा 3 साल कंप्लीट हुआ था और हम यूनियन में गए, स्ट्राइक में गए, जाना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि आप लोग ही थोड़ा कंट्राडिक्ट किए थे कि सर आप यूनियन में स्ट्राइक में नहीं जा रहे, यानी GDS के बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। तो हम आप लोग का डिमांड को देखते हुए हम भी यूनियन में गए, सपोर्ट किए यूनियन स्ट्राइक को। हम सोचे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अगर फ़ायदा मिल जाए स्ट्राइक को, तो स्ट्राइक की वजह से फ़ायदा मिल जाए GDS को तो अच्छा होगा, क्योंकि हम भी एक चैनल चला रहे हैं तो मुझे भी अपने सब्सक्राइबर का बात सुनना चाहिए, डिमांड सुनना चाहिए। तो हम स्ट्राइक में गए और इस वजह से मेरे यूनियन में बोला गया था कि स्ट्राइक में नहीं जाना, GDS स्ट्राइक में, और हम चले गए। और मेरे जो यूनियन मेंबर्स वगैरह सब थे वो लोग थोड़ा गुस्सा गए और थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स करने लगे कि भाई ये यूनियन में रहते हुए भी दूसरे यूनियन में जा कर के स्ट्राइक कर रहा है। तो हम अपने यूनियन में रहते हुए जब मेरा बात को मेरा यूनियन आगे नहीं पहुँचाएगा, हमारा जो डिमांड्स वो अगर पूरा करने के लिए खड़ा नहीं रहेंगे, जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो कौन लेगा भाई, कौन यूनियन लेगा? हम उस यूनियन में क्यों पैसा दें? हम कोई भी यूनियन में, जिस यूनियन में हम पैसा देते हैं, जिस यूनियन में है उसमें तो फ्री में हमको यूनियन मेंबरशिप नहीं दिया है, उसका पैसा कटता है, चाहे 20 रुपया हो चाहे 10 रुपया हो, तो पैसा कट रहा है, हम पैसा दे रहे हैं मंथली। जब कभी कोई मीटिंग हो रहा है तो वहाँ पर हम चंदा दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, कुछ न कुछ डोनेशन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो मेरे पैसे से यूनियन चल रहा है, ठीक है, हमारा कंट्रीब्यूशन से यूनियन चल रहा है, एंड मेरा ही बात नहीं मान रहा है, मेरा ही बात को दबाया जाता है, तो वाई यूनियन हम क्यों करें भाई? उस यूनियन में जाके हमको क्या फ़ायदा मिला, क्या एडवांटेज मिला? तो हम उस यूनियन में क्या वहाँ पर क्या कुत्ता बन कर रहे क्या, वहाँ पर पूछ डुलाते रहे इस तरह से? तो हम उस यूनियन में क्यों रहे जिस यूनियन में हमको इस तरह से ट्रीट किया जाए? तो हम उस जिस यूनियन में करंट यूनियन में थे तो वहाँ पे हमको इस तरह से ट्रीट किया, मतलब उनका बात को नहीं माने, हम स्ट्राइक में चले गए, उनका ईगो हर्ट हो गया, दिल पे चोट पहुँचा कि भाई मेरे साथ गद्दारी किया, मेरा यूनियन में रहते हुए अदर यूनियन के साथ स्ट्राइक में है, तो हम अपना भी तो फायदा देखेंगे ना भाई। सब आदमी जिस यूनियन में है, सब आदमी तो GDS नहीं रहता, कोई PA है, कोई MTS है, कोई मान लो पोस्टमैन है, तो सब के कंट्रीब्यूशन से यूनियन बनता है। तो हमारा जब बात आया GDS का डिमांड्स के बात आया तो वो लोग सुना नहीं, मतलब GDS को एक हल्के में ले रहा है कि GDS अगर स्ट्राइक में जा रहे हैं तो उसको कंट्राडिक्ट करो, उसको हटाओ, ये सब। तो मुझे मेरे यूनियन से हटा दिया गया तो मेरा घंटा उखड़ जाएगा, मेरे यूनियन से अगर हटा दिया, मेरा जो भी XYZ यूनियन का नाम नहीं लेंगे, फालतू का कहले पॉपुलरिटी मिल जाएगा इस यूनियन का, हम नाम ही नहीं लेंगे, मेरा XYZ कोई एक यूनियन था वहाँ से हटा दिया तो मेरा घंटा कुछ उखड़ता भी नहीं है, ठीक है। हम अपने दम पे अपना चैनल क्रिएट किए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, अपने दम पे जॉब मिला है, अपने दम पे यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, अपने दम पे हैं, ठीक है। तो किसी के ये जिम्मेदारी किसी का ये नहीं है,
रॉब नहीं दिखा सकता कि भाई तुमको ये कर देंगे। अगर हमको अपने यूनियन में हटा दिया, जिस यूनियन में थे मान लो एक्स वाई जेड यूनियन में से हटा दिया, तो मेरा घंटा कुछ उखड़ जाएगा, कुछ नहीं उखड़ेगा। तो अभी हम फिलहाल एक यूनियन ज्वाइन करेंगे और वो यूनियन के बारे में थोड़ा बाद में डिक्लेरेशन देंगे, अभी थोड़ा बहुत थोड़ा सस्पेंस रखते हैं। और वो यूनियन का खास बात ये लगा कि जब हम स्ट्राइक में थे तो वो यूनियन के साथ हम स्ट्राइक में थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि हम किस यूनियन के साथ स्ट्राइक में थे। ठीक है, वो वीडियो ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो दे देंगे, जब हम GDS स्ट्राइक में थे। स्टोरी कहाँ से शुरू होता है, 14 दिसंबर को स्ट्राइक था और हमने स्ट्राइक में किया और वहाँ पे हमको मना किया गया था स्ट्राइक में नहीं जाना है, क्योंकि घंटा वाला कोई लॉजिक ही नहीं दिया, कोई लॉजिक ही नहीं था। ठीक है, हम यूनियन में क्यों जाए, सॉरी हम स्ट्राइक में क्यों जाए, क्यों नहीं जाए, उसका कोई एक्सप्लेनेशन, अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। तो हमको उनका बात पे कोई भरोसा नहीं हुआ, हम GDS के स्ट्राइक, GDS के डिमांड्स के लिए हम स्ट्राइक में चले गए और उनका ईगो हर्ट हुआ और हमको ग्रुप से हटा दिया, व्हाट्सएप ग्रुप से। तो हमको लगा चलो भाई मेरे गलती की वजह से गुस्सा गया है, व्हाट्सएप से हटा दिया, ग्रुप से बाद में ऐड कर देगा। हम प्रेसिडेंट से बात किए, वो बोले कि ठीक है बाद में ऐड कर देंगे। लेकिन आफ्टर 2 मंथ्स मतलब फरवरी में, कल 2 फरवरी था, हम रात को सो गए जल्दी क्योंकि बहुत सारे काम हुआ, थोड़ा सा हेडेक था और हम जल्दी सो गए खाना पीना खा करके। सुबह उठते हैं तो देखते हैं उस यूनियन से हटा दिया गया, एक और ग्रुप था उससे हटा दिया। भाई विदाउट माय इंटीमेशन, कुछ भी बोले बिना हमको हटा दे रहा है, मतलब कोई मेरा रिस्पेक्ट नहीं है का? अगर ऐसा समझता है भाई मेरा कोई रिस्पेक्ट नहीं है और हमको जब मन तब ग्रुप से हटा देगा तो उनके दम पे थोड़े ना हम नौकरी लिए हैं। अगर हमको हटा देगा तो हटा दो भाई, बोल के हटाना चाहिए था ना, बोल के हटा दो प्रियांशु कुमार तुम इस यूनियन के लायक नहीं हो, या फिर यू आर नॉट सुटेबल फॉर दिस यूनियन। ठीक है, तुम या फिर इस रूल रेगुलेशन को वायलेट करते हो, अच्छा नहीं हो, तो हटा देगा। आप हम खुद से लेफ्ट हो जाएंगे भाई, रिमूव्ड कर रहा है, क्यों रिमूव कर रहा है, उनके दम पे क्या नौकरी मिला है क्या? सब कुछ जब अपने दम पे कर रहे हैं, सेल्फ डिपेंडेंट है, तो हम यूनियन का काहे चमचागिरी करते रहे। तो हम अब वो यूनियन छोड़ेंगे और छोड़ेंगे जैसे भी हो, चाहे ब्रह्मा भी आ जाए तो वो यूनियन को हम छोड़ देंगे। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर के बोले कि वो यूनियन ज्वाइन कर लो, ठीक है, तो अब नहीं करने वाले, क्योंकि मेरा भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो वहाँ डाउन हुआ क्योंकि सबके सामने हमको रिमूव कर रहा है विदाउट माई फॉल्ट, और हम नया यूनियन ज्वाइन करेंगे। हम भी सपोर्ट करते हैं, हम आप लोग से थोड़ा रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आपको हम इतना दिन से गाइड किए हैं, आपका समझिए एक तरह से मेंटर है। ठीक है, आप अपने दम पे नौकरी लिए हैं लेकिन डायरेक्शन हमने दिया है शुरू से, तो हम भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जिस यूनियन में हम जा रहे हैं वहाँ पे तो वहाँ का उसका स्ट्रेंथ बढ़ाइए और उस मेरे बातों को थोड़ा सहमति लाइए। मतलब हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उस यूनियन को ज्वाइन कीजिए और देखते हैं कि, देखिए आपको मेरा भी बात पे ज़्यादा बिलीव नहीं करना या किसी और के बात पे, आपको दिल से जो अच्छा लगे, जो लगे कि आपके बात को सुना जा रहा है, आपके बात को समझा जा रहा है, आपके बात को दबाया नहीं जा रहा है, आपका सॉल्यूशन कर रहा है आपके प्रॉब्लम का, उसका बात सुनिए। ठीक है, अगर हम आपके सामने, हम आपके साथ हमेशा से रहे हैं प्रॉब्लम में, उसका सॉल्यूशन दिए हैं, तो आपको मेरा बात सुनना चाहिए। ठीक है, इट इज़ माय रिक्वेस्ट कि हम जिस यूनियन में हैं आपको धीरे धीरे पता चल ही जाएगा और उसका थोड़ा बहुत हम भोकाल लाएंगे, वीडियो सब छोड़ेंगे, आपको पता चलेगा, उस यूनियन में आकर के ज्वाइन कीजिए, कोई भी प्रेशर नहीं है, आप ज्वाइन करेंगे क्योंकि आपके बात को सुना जाएगा। ठीक है, और जो आपके पक्ष में खड़े रहेंगे उनका ही बात सुनना है। ठीक है, तो अल्टीमेटली यही बोलेंगे कि हमको यूनियन से हटाया गया, अब हम न्यू यूनियन ज्वाइन करेंगे और आपको थोड़ा बहुत, मतलब नेशनल यूनियन हम ज्वाइन करेंगे, FNPO। हम जो यूनियन को ज्वाइन करेंगे उसका नाम है FNPO, फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन। FNPO का नाम सुने ही होंगे आप, जाकर के या तो YouTube पे सर्च कीजिए या फिर Google पे सर्च कीजिए, पता चल जाएगा। एक्चुअल में जो हमको लग रहा है कि FNPO थोड़ा बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि देखते हैं जब भी हमको कोई सीक्रेट बात पता चलता है, जल्दी पता चल जाता है, या फिर जो भी कुछ रूल रेगुलेशन आता है, तो हमको देखते हैं FNPO का हम एक ग्रुप ज्वाइन किया है, वो फेसबुक ग्रुप है, उसमें देखते हैं हमेशा कुछ न कुछ आते रहता है और सॉल्यूशन भी मिल जाता है उसके वजह से, हम आपके साथ है ये ग्राउंड लेवल पे। तो सपोर्ट में आइए, FNPO ज्वाइन कीजिए
आई रिक्वेस्ट टू यू, ठीक है, थोड़ा सा तबाही लाते हैं लाइफ में, थोड़ा बहुत सस्पेंस लाना चाहिए, ठीक है, कम्प्लेक्सिटी उसको बोलते हैं, सस्पेंस लाएंगे तो थोड़ा बहुत लाइफ थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव, रोमांचक हो जाता है। तो आई रिक्वेस्ट यू कि FNPO ज्वाइन कीजिए, अब हम खुद FNPO का मेंबर होने जा रहे हैं, जस्ट वेट एंड वॉच, थोड़ा बहुत तबाही लाते। तो हमारे MTS मलयदा जो कि हमारे इंस्पिरेशन भी थे और उनका वीडियो देखे भी हैं, तो इनका कोई भी प्रेशर नहीं था, बोले प्रियांशु तुम डिसाइड कर लो कहाँ पे जाना है, क्योंकि तुम्हें ही यूनियन मेंबर रहना है। और तो मुझे, मेरा दिल के जो आत्मा होता है ना, अंतरा आत्मा जो बोलता है, इंटरनल फीलिंग जो था, वो हमको लगता है कि ये यूनियन ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि हमारे इंस्पिरेशन भी रह चुके हैं और ठीक है, ओवरऑल देखें कि अच्छा काम किया करते हैं हमारे जो RPLA ब्रांच में, जो हमारे बहुत सारे मेंबर हैं वो हमको हेल्प करते हैं पर्सनली, चाहे उनके यूनियन में हो या ना हो, तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा। कोई भी यूनियनबाजी, सट्टाबाजी ये सब नहीं चलता है। यूनियन मतलब जिसको जो प्रॉब्लम, जो उनके यूनियन में ना रहते हुए भी प्रॉब्लम दे, वही अच्छा चीज़ होता है, ठीक है। बोलता है ना कि जो मुसीबत के समय साथ दे वही सच्चा मित्र होता है, तो आज से हमारा सच्चा मित्र हमारा FNPO मेंबर्स, ऑल माय FNPO मेंबर्स, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हम। देखिए खुशी मलयदा का, लाइए साइन करते हैं। देखिए ये है फॉर्म, इस पे हम साइन करेंगे, अभी एग्रीमेंट बन रहा है, देखिए, सॉरी तबाही नहीं, भोकाल लाते हैं, कहाँ गया, यहाँ एखने साइन हो पे ना, कहाँ लिख रहे, सुबह से इतना लिखे ना, लिखने में भी नहीं बन रहा है। देखिए फाइनली हम साइन कर रहे हैं मेंबर्स के लिए, FNPO के मेंबर बन गए फाइनली। ये देखिए मेरे साथ क्या हो गया स्ट्राइक के वजह से, यहाँ भी साइन करना है, दिस इज बिहारी पावर, आरो कहीं पे बस खत्म, देखे एक बार देख। तो इस तरह से जब भी कभी आप यूनियन ज्वाइन करना होगा तो इस तरह का फॉर्म आता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वेरिफिकेशन, ऑथराइजेशन वगैरह वगैरह सब है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, IT एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इस तरह का फॉर्म आता है, आपको भी साइन करके देना रहता है। अगर आपको मेरा यूनियन ज्वाइन करना होगा तो इस तरह से आप कमेंट कीजिएगा, एक ही फॉर्म रहेगा, हम आपको फॉर्म प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो फाइनली आई एम द मेंबर ऑफ FNPO, ठीक है, फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन, ओके। हमारे यूनियन में बहुत तरह का जो एम्प्लॉई है इंडिया पोस्ट में, सब तरह का है, GDS भी है, PA भी है, SPM भी है, उसके बाद MPO भी है, इंस्पेक्टर सर भी है, और पोस्टमैन भी है, सब तरह का है। तो हमारे यूनियन में अब जो है नाउ तो FNPO यूनियन मेरा हो गया है, ठीक है। तो हमारे SPM सर देखिए फाइनली काम कर रहे हैं, हमारे पोस्टमैन जो कि हमारे इंस्पिरेशन भी रह चुके हैं, क्योंकि जब वो GDS ABPM थे तो बहुत सारे RPLA किए थे, उनको देख के ही, उनसे सीख के ही हम इतना चीज़ अचीव किया लाइफ में, कहीं कहीं इंस्पायर्ड किए ये आदमी, हमको लगा कि इतना एनर्जेटिक कैसे हो सकता है, इतना काम कैसे कर सकते हैं, तो कहीं कहीं से हमको मोटिवेशन मिला इनको देख करके, मेरे एक इंस्पिरेशन हो गया इंडिया पोस्ट में। और भी बहुत सारे हैं कि जैसे मान लो कि बहुत सारे काम रहता है हेड ऑफिस में, वहाँ जाते हैं तो देखते हैं वो लोग, ये नहीं देखते कि किस यूनियन का है भाई, काम लेके जाते हैं सॉल्यूशन मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं दिल अटैच कर गया, वहाँ दिल अटैच कर गया, समझ रहे ना, दिल गार्डन हो गया उन लोगों का, बात बिहेवियर देख करके। तो यही सब लॉजिक है कि यहाँ पे आंख बंद करके हम इस यूनियन में साइन कर दिए, मेंबर बन गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है, आने वाले टाइम में देखा जाएगा, खेला होवे पड़े,